भैया स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। और अभी अपन नहीं है इंदौर में, अभी अपन है अपने घर पर चिमनी मालवा में। तो यहाँ पे लगता है क्या बहुत बड़ा अर्जुन बाबा का मेला। वैसे तो मैं काफ़ी दिनों से था यहाँ पे, 10-15 दिन हो गए हैं, लेकिन ब्लॉग नहीं बना रहा था मैं, क्या पता क्यों नहीं बना रहा था। मेला का बना रहे हैं इस व्यक्ति के कारण। चेहरा दिखा दे रहा इस व्यक्ति के कारण बनाना पड़ा, काट देना भाई। ठीक है, तो मेला दिखाते हैं आपको, झूला झूलेगा? हाँ भाई जरूर। देखो वैसे तो मैं आधा साइको डर लगता है वैसे झूले से, और एडवेंचर पार्क में भले कितनी एक्टिविटी की हो। हाँ, मेले देख के डर लगता है। तो भैया मेला अभी देखो छोटा सा है, ज्यादा बड़ा नहीं है, इससे बड़ा भिलट देव का लगता है ये हरदुल बाबा का मेला। यहाँ कहीं पे आपको पार्किंग मिल जाएगी, और कोई देखेगा कि नहीं व्यू वीडियो देखेगा। अपनी वनापुरा की ऑडियंस ही नहीं है, इंदौर वाले देखेंगे। हाँ तो भैया इंदौर वालों के लिए ये लाल बाग पैलेस का मेला। काफी देर से ये भी कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है, कैमरा चालू करके रखा है। हेलो गाइस, तू भी ब्लॉगिंग शुरू कर रहा है। हेलो गाइस वही कहता। तो भैया मेला इधर नहीं है, इधर है हमारे राम मंदिर। काफी बढ़िया मंदिर है, अगर आप सिवनी के हो तो जाओ, वैसे तो गए होंगे। ठीक है, उसके बाद इधर कुछ झूले वगैरह है, आइसक्रीम के स्टॉल्स है। कुछ सामान लेना हो तो यहाँ से ले लो, बाकी फिर इधर वही पार्किंग आ गई, और उधर है हरदोल बाबा, तो बाबा के भी दर्शन कराते हैं आपको। ज्यादा कुछ बोल नहीं रहे मेला में, क्यों नहीं बोल रहे? कॉपीराइट लग जाएगा। म्यूजिक बहुत ज्यादा चल रहा है, बैकग्राउंड म्यूजिक, जिससे हमको समस्या है। हर कोई एमसी स्टैंड की तरह नहीं होता कि सिर्फ व्यू देखकर चले आए और कॉपीराइट ना लगे। तो आ गई तो नहीं आए पीछे पीछे, अभी इसको बंद करते नहीं तो कॉपीराइट लगवाते हुए जा रहे हो किसी पर। यार मन तो हो रहा यार, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने भैया से बोला डबल पैसे ले लो, लेकिन उस पर मुझे जाने दो, मना कर दिया यार। उस पे चल बिटलवा के बता, मना कर देंगे भाई। मैंने पूछा था, बोला था जीपे कर दो। चल देखते क्या कुछ कुछ ना। तो ये प्रीतेश लेके आया मेरे को मिक्की माउस के लिए, ले जा रहा है क्या? बोला तो भैया, भैया ने बेइज्जती करके भगा चुके हैं भैया। तो भैया ने मना कर दी कि तुम्हारे बच्चे हो तो बच्चों को लेकर आओ, तुम्हारे लिए नहीं है। चल बेटा कभी तो सुन लिया कर। तो भैया 50-50 रुपए में यहाँ पे लोगों को दिखा रहे हैं सपनों की दुनिया वर्चुअल रियलिटी, और काफ़ी लोग देख रहे हैं। बढ़िया, 100 रुपए में सपनों के आगे की दुनिया भी दिखा रहे हैं यहाँ पे लिखा है, वो 50 रुपए में सपनों की दुनिया देखना है। देखो सपने की, तो आज से मैं भी ब्लॉगिंग शुरू करूँगा। ब्लॉगिंग कॉम्पिटिशन, इसका मतलब क्या भैया? तुम्हारी इंजीनियरिंग हो गई तो क्या सब ब्लॉगिंग ही करोगे? सारे इंजीनियर ब्लॉगिंग ही करोगे? थोड़ा बहुत हमार लिया छोड़ दो, एक इंजीनियर ये साला जहाँ खत्म रख रहा हूँ मेले में, को घबराहट हो रही, इंजीनियर मिल रहे हैं मेरे को। ये मेला घूम घाम के अभी अपन निकल रहे हैं, बाकी असली मजा जब छोटे थे तभी आता था मेला का, पूरा दिन भर उसी की खुशी में कि आज शाम को मेला जाएंगे और चीज़ें लेंगे। और पहले तो चीज़ें लेने का भी बहुत शौक था, कहीं ट्रैक्टर ट्राली लेकर आ रहे हैं, जेसीबी लेकर आ रहे हैं, मतलब एक अलग मज़ा। तभी कह सकते अपन के छोटे थे तभी मेले के मज़े थे, आप तो ये सब मज़े रहे नहीं, सब चीज़ें बदल गई हैं। दोस्तों के साथ भी जाते थे तो अब दोस्ती नहीं मिल पाते हैं, ठीक है, और नॉर्मल भी हो गया अब मेला, क्योंकि बाहर जब से रहना शुरू किया है सभी ने
तो वहाँ पे हर 10-15 दिन एक महीने में मेला लगते रहते हैं। तो जो इम्पोर्टेंस है मेले की वो कहीं ना कहीं हमारे से चली गई है। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। लाइटिंग थोड़ी कम हो गई तो हमने यहीं रोकना पड़ा। तो मिलते हैं भैया ऐसे ही नए ब्लॉग में। और एक बात और, सिवनी मालवा से देख रहे हो सब्सक्राइब कर लेना, आपके छोटे से शहर से इंदौर तक इंदौर की बनाते रहते। हाँ भाई, आदर्श गोर से ब्लॉग देखते हो क्या? चलो बहुत बढ़िया। मेले की मैंने सोचा बना लेते हैं यहाँ आते तो क्या ही जाले बाकी तुम्हारे बढ़िया। चलो ऐसे ही ब्लॉग देखते रहो। और आदल भाई की वैसे तो सीनी बहुत कम लोग देखते हैं, तुम देख रहे हो, बहुत अच्छी बात है। ठीक है भैया, मिलते हैं ऐसे नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय।